नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक मुद्दे की बात करनी थी आप लोगों से कि यूपीएसआरटीसी में, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में, बहुत ही अच्छी खासी भर्ती आई हुई है। बस कंडक्टर परिचालक की भर्ती आई हुई है। लगभग 883 पद हैं मित्रों, 883 पद हैं। और सबसे लास्ट में जो मतलब यह जो पोस्ट निकला हुआ है बस कंडक्टर का, दरअसल यह डिस्ट्रिक्ट वाइज निकला हुआ है। तो सबसे लास्ट में सबसे अंतिम जो डिस्ट्रिक्ट है, झांसी ललितपुर जालौन, जहां आप लोग अभी अगर अप्लाई नहीं किए हैं तो आप लोग जाकर आप आवेदन दे सकते हैं। लगभग 7 फरवरी तक अभी डेट है, लगभग 3 से 4 5 4 5 दिन, और शायद कल या परसों तक, 2 ही या 3 दिन बचा हुआ है। तो कुल मिलाकर झांसी ललितपुर जालौन में अभी आप आवेदन दे सकते हैं। 2 दिन बच शेष है, आप आवेदन दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके पहले भी बहुत सारी जैसे सहारनपुर में, मेरठ में, कौशाम्बी में, प्रयागराज में भर्तियां निकली हुई थी, लेकिन उसका डेट बीत चुका है। तो कुल मिलाकर यह जानना है कि उत्तर प्रदेश में बस कंडक्टर की कुल 883 पोस्ट पर भर्ती निकली हुई थी। कुछ भर्तियों पर आवेदन हो चुके हैं, कुछ कुछ जो है आवेदन अभी शेष है। 2 दिन का समय बचा हुआ है, आप आवेदन दे सकते हैं। एक बड़ी बात आप लोग को यह बता दूं कि यह जो आप आवेदन दे रहे हैं, जो लोग आवेदन नहीं दिए हैं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ 0 रुपया फीस है आवेदन देने का, आवेदन शुल्क 0 रुपया है। वह लोग आवेदन दे सकते हैं जिनका एज 18 से 40 वर्ष तक लोग आवेदन दे सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा में जो अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको छूट भी मिला हुआ है। और एक बड़ी बात और कहनी है आप लोगों से कि इसमें जो सैलरी है, जो वेतन है बस परिचालक का, उत्तर प्रदेश बस अच्छा उत्तर प्रदेश बस कंडक्टर में जो जो भी सुविधाएं होती हैं, जो परिवहन निगम प्रोवाइड कराता है अपने कर्मचारियों को, वह तो आप लोग को मिलेगी ही, आप जानते ही हैं। लेकिन बस कंडक्टर की जो वेतन है, यह मैं आपको बता देना चाहूंगा। इसमें जो वेतन है स्पष्ट लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। इसमें जो आपका वेतन है 10 से 12 हजार, 10 से क्षमा करिएगा 10 से 20 हजार इसमें वेतन लिखा हुआ है। लगभग 10 हजार से 20 हजार के बीच में आपको इसमें वेतन मिलेगा। और एक बात और बता दूं, क्वालिफिकेशन की जहां तक बात हो रही है, इसमें वह लोग आवेदन दे सकते हैं जो लोग जिन लोग का 10+2 हो गया हो, मतलब किसी भी बोर्ड से, सेंट्रल बोर्ड से या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से अगर आप 10+2 क्लियर हैं तब आप लोग आवेदन दे सकते हैं। और साथ ही साथ 10+2 के अलावा आपको CCC की डिग्री भी चाहिए। CCC का जो एग्जाम होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, वह आपका सर्टिफिकेट चाहिए। तो यह बात आप जान लें। और इसमें जो आप इसकी जो लिखित परीक्षा होगी, तो सबसे बड़ी बात है कि लिखित परीक्षा जैसा कुछ है कि नहीं इसके बारे में बता दूं। क्या क्या जो बस कंडक्टर का जो चयन होगा, बस परिचालक का चयन होगा, लिखित परीक्षा के आधार पर होगा या फिर इंटरव्यू के आधार पर होगा, किस आधार पर चयन होगा? तो पहली बार बता दूं, न तो इसमें लिखित परीक्षा के आधार पर चयन हो रहा है, न तो इंटरव्यू के आधार पर चयन हो रहा है, और न इसमें जो भी चयन आपका हो रहा है, यह समझिए कि इसमें जो चयन होगा आपका 10+2, मतलब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो आपके अंक हैं, जो मेरिट के आधार पर चयन हो रहा है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेरिट के आधार पर चयन हो रहा है। तो जिन लोगों को लगता है कि उनका मेरिट अच्छा है हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में, वह लोग आवेदन दिए हैं और कुछ दिन शेष है, तो आप भी लोग आवेदन देना चाहें तो दे सकते हैं। हालांकि मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग आपका मेरिट कुछ भी हो, आप कैसे यह मानेंगे कि आपका मेरिट लो है, नहीं हो सकता है, या फिर किस आधार पर आप अपने आपने आपको आप जो भी लोग आवेदन देना चाहें आप लोग आवेदन दे सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग जो भी लोग आवेदन देना चाहें आवेदन दे सकते हैं, और अंतिम जो निर्णय होगा वो मेरिट के आधार पर ही तय होगा। एक और आप लोगों से बातें करनी है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में जो 883 पोस्ट आए हुए हैं, इसमें कितने लोगों ने आवेदन किया है? लगभग 883 पद हैं, आवेदक जो हैं 883 हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं? क्योंकि असल में असली जानकारी तो यही है, क्योंकि लोगों के अंदर यह पता रहता है कि हमने आवेदन किया है, लेकिन इसमें कितने लोग इस भीड़ में शामिल हैं, इस प्रतियोगिता में कितने लोग हैं, ताकि हम आशावान बने रहें कि हाँ हमारा चयन कहीं ना कहीं सुरक्षित है अगर कम लोग आवेदन किए हैं। तो इसमें आवेदन करने वालों की संख्या है, आवेदकों की संख्या क्या है, मैं इस पर चर्चा करूंगा। तो मित्रों, इसमें जो आवेदन करने वालों की संख्या अभी तक जो फॉर्म फिल हो रहा है, तो समझिए 1 या 2 दिन से शेष हैं। तो अब अगर 1 या 2 दिन और अगर फॉर्म फिल हो जाए तो कितने आवेदक हो जाएंगे, तो अभी जान लीजिए, अभी
जो आवेदक हैं लगभग 1 लाख हैं, लगभग 1 लाख लोग अप्लाई कर चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं, लगभग 1 लाख लोग आवेदन दे चुके हैं यूपीएसआरटीसी में। अब कितने लोग अगर और आवेदन दे सकते हैं, तो लगभग यह मान लीजिए कि 1,10,000, 1,10,000 समझिए, 1,10,000 से ज्यादा लोग आवेदक नहीं है और सीटों की संख्या 883। 1,10,000 मैं अंतिम बता रहा हूँ, 1,10,000 से ज्यादा आवेदक आपके नहीं होंगे, लगभग इतने होने चाहिए, संभावित इतना ही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोगों को। और भी किसी प्रकार की कोई सूचना होगी किसी के मन में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और किसी प्रकार की कोई लिखित परीक्षा नहीं हो रही है मित्रों, इंटरव्यू भी आदि नहीं है। इंटरव्यू मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लिखित परीक्षा नहीं है, तो लोग ये सोचते हैं कि इंटरव्यू होगा, लेकिन इस तरह का भी कुछ नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मेरिट की बेस पर सारा का सारा यह परीक्षा के इस परीक्षा का जो चयन का आधार है हाई स्कूल और इंटर का मेरिट है। हाँ, और किसी भी बोर्ड से आपका हो, हाई स्कूल इंटरमीडिएट, आप सभी लोग पात्र होंगे। ठीक है, धन्यवाद। और भी किसी प्रकार की कोई सूचना किसी के मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद आप लोग।